की होया अमन तेन एने गेड़े क्यों कड़ी एने? पता नहीं किथे चली गई है जरीना, मनु चिंता हो रही है, दस के भी नहीं गई। कोई गल नहीं, आ जूगी। किन्ना ख्याल रखता है अमन जरीना दा। आज मेनू कुछ हो जावे तां कौन है मेनू पुछन वाला? हर पासे निकले जिंदा, पता नहीं किथे, आखिर किथे चली। अल्लाह पुत्र कुछ खा ला, सब ठीक हो जाएगा। दोनों घर नहीं है गे, शोएब ना किते गई होनी है, तू परेशान ना हो। पर बेबे असी शाम नू बाहर जान दा प्रोग्राम बनाया सी। पुत्र उन्हां दा अचानक प्रोग्राम बन गया होना कोई? मैं फिर एक बारी बाहर वेख के आऊंगा। कुछ खा दे जा पहला। नहीं मैं नहीं खाना बेबे कुछ। जरीना मेरे लिए खुद ही राह बना रही है, मैंने कुछ करने की लोड़ ही नहीं। लगता है रब ने भी मेरी सुन ली है। जी शोएब जी, शोएब जी मेजर साहब जख्मी हो गए। देखो इन्हों का ना सज्जा हाथ जख्मी हो गए। देखो इन्हों दे पैर कितनी सट लगी, जख्मी हो गए इधर। पर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋਹਬ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जरीना कितने आ तू? आजा वीर, तू भी दुखी लगता है, लाला पैग। आजा वीर, आजा आजा वीर, आजा पैग।
सब कुछ मैं ही समझा, कल तक सिर्फ मैं ही समझदार हुआ। अमन तो सानू हो के गया है, तुसा होश चता हो केहो जी गल्ला करी जा रहे हो तुसा। सानू तो लगा सी कि लगा नहीं, असानू यकीन सी कि तुसा सानू समझोगे, तदी असा इस बेपरवाह होके चले गए। तेनू कोई ख्याल ही नहीं, सब कुछ हमेशा मैं ही समझदा रहा। तेन विश्वास भी मैं दवावा, तेन रूसी ओई नू भी मैं मनावा, पाकिस्तान भी मैं ही जावा, व्याह करा के तेरी उड़ीक भी मैं ही करा। तू भी कदी कुछ समझेगी कि नहीं, मैं बेवकूफ गवाची तू हो गला भी मैं सुना रही। समस्या शोएब की नहीं है, कमी तेरे विच है, तेरे विच तू ही सब कुछ भुल जानी है, अपने घर वाले भुल जानी है, जो आया अपनी मन की करती है। तेन कोई फर्क ही नहीं पैंदा तेरा घर वाला भावे जीवे भावे मरे। कल दारू पी के मैं सड़क उत्ते डिग्या होया सी, क्यों? क्योंकि तू गायब सी, तेरा कोई अता पता ही नहीं सी। हर पासे मैं तेनू लभ लिया पर तेरा कोई अता पता नहीं सी। पर तेन कोई फर्क नहीं पैंदा। की गल इन्हें पता होया फिर अमन 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 हम कि पाया तू है कदों तक दुखी करेंगे मेरे पुत्र पागल करके छेंगे अमर कौरे चुप कर जा मन कि तू अमन करके परेशान है पर अपने परेशानी करके ए गुस्सा कड़न की लड़ नहीं आरो जरीना का कोई कसूर नहीं आइए तू आ मेरे न बैठ मेरी धीए बैठ जा है लेती है पानी पी उदास ना होती है तो चंगी तरह मेरी गल ना समझ किसी वेले हालात साढ़े वस विच नहीं होंदे तू तो आप जानती है कि किसी वेले असीं अपनी गल किसी नूं समझा ही नहीं पाउंदे किसी समझाया कोई समझ ही नहीं सकता हर एक अपनी अपनी जिंदगी का पैंडा तय करके तजर्बा मिलता है धीए अमन भी हिसाब न चल लेंगे समझ लैन दे शायद तेरी समझाया कुछ समझ में नहीं आ रहा बापू जी सानू तो लगता से कि अमन असा की हर गल बहुत चंगी तरह समझते ने असा तो यकीन करते ने इंसान के जज्बात बड़े उलझे हो जाते हैं वो किसी वे इन्नी छेती समझे नहीं जाते हूँ थोड़ा समा लगेगा उन्हें थोड़ा समा दे पूरी तरह अपने ख्याल तो पूरी तरह सोचने थोड़ा समय की लड़ है पौधा बापू जी ये सब कुछ कदों ठीक होगा किंच ठीक होगा सानू समझ नहीं आ रहा अमन साहब किसी भी गल के उत्ते यकीन नहीं कर रहे उन्होंने चंगी तरह पता है कि असां दा ध्यान क्यों वंडिया होया उसका कारण की है वो जानते ने पर फिर भी असां नाल इंज बर्ताव कर रहे एक दूजे नाल गल करके हां धीए इहो एक तरीका है कि आपस विच पईआं दूरियां नूं घटाउण दा उन्हें थोड़ा समा लगेगा धीए उन्हें समय की लोड़ है एक दूजे की गल नूं समझण दा पुत्त अमन दे बापू जी बिल्कुल ठीक कह रहे ने मेरा पोता मोह मरगा है झट पिघल जांदा बस प्यार नाल गल करन दी लोड़ है तू हुण चिंता ना कर मिलती है वो गुस्सा उतरदे ही घर वापस आ जाऊगा तू हुण चुप हो जा बैठ जा बैठ शाबाश ठीक है ना तू पुत जी हूं असं तबीयत बेहतर है शुक्र धर्मकोट च दंगे सरकार वालों
सारे नु शांति बनाए रखन की अपील की गई है। अमन 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 किथे चले गए, किथे भी नजर नहीं आ रही। अमन अमन करके बड़ा नुकसान हो गया। वो तो अमन जरीना का हजे तक कोई पता नहीं लग रहा, पर मैं कुछ बंदे भेजे उन्होंने लभण वास्ते। जा पुत्र तू भी जा, ध्यान आसे पासे देख ली, कितने ना कितने जरूर मिल जाएंगे। जा मेरा पुत्र जा। शाबाश तेरा पुत्र पता नहीं कड़े हाल छोड़ा। बेटे तुसी चिंता ना करो, अमन ते जरीना आ जाएंगे, क्यों ठीक हो गए। अमन तुसा फिक्र ना करो, असा तुसानु जल्दी घर पहुंचा देंगे।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ। ਅਮਨ ਅਮਨ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਅਮਨ ਹੋਸ਼ ਜਾ, ਅਮਨ 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 ਅਮਨ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਮਨ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਯਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀਕ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦੋ, ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਤੇ ਜਰੀਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਦੰਗੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ? ਕੱਲ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਰ ਜਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਲਵਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
शोएब जी, शोएब जी रुको, असा क्या ना रुको, अब कितने जा रहे हो तो सा, अब बैठ के तो सा चुके हो यार। ना शोएब जी तुसा भी असा नु लगा थे कि तुसा कोई सियाणा भरा फैसला लोगे, पर नहीं तुसा भी अमर वैना सिरदर्द लिए बाम लेके आनी है। मना नहीं रहना चाहती तो सब की है हूं ये ना कही कि तू जो कुछ भी किया दोस्त की खातर किया जिदा तू जरीना गल्ला सुना रही सी ना मैं नहीं लगता तू सब कुछ दोस्त की खातर किया तू मैं बहुत परवाह कर लग पी फेपे मैं अमन नु इदा दुखी नहीं वेख सकती वह इदा का है ही नहीं कि उदास रवे वह तो आप सारा दिन हसता रहा दूजा भी खुश रखता पता नहीं कदों का मेरा अमन हसता हसा दुखी रहन लग पे मेनू की हो रहा अमन मेरा दोस्त है ते दोस्त ही रहूगा फिर मेरे दिल विच की हो रहा कि मैं कल्ली जिंदगी कटन तो डर रही हूं या फिर अमन वर्गा जीवन साथी चाहनी हूं एक हो जा तूफान है रब्बा तो सानू याद है ना असा ने पहला भी कहा कि असा दा इत्थे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ए सही फैसला नहीं है असा करके हर रोज किसी ना किसी गल ते लड़ाई हुंदी रहिंदी है शोएब जी तुसा गल समझन दी कोशिश कर जे तुसा इत्थे ना भी हुंदे ना तद भी बेबे कोई ना कोई बहाना लभ ही लैंदे असा ते अमन दे रिश्ते नू खराब करन दे शोएब जी तुसा दा इत्थे रहना या ना रहना किसी भी झगड़े दा कारण नहीं रिश्ता खुशनुमा बन सके पहला वांगू असा प्यार खुशी किवे ले आई की हो गया है अमन इंज क्यों कर रहे पहला तो इन्हें समझदार सी असां दी हर गल बिन बोले समझ जांदे सी पर हुण इन्हें क्यों बदल गए ने कुछ पता नहीं चल रहे शोएब जी शायद अब्बू जान सही सा खाला भी सही सा असा नु भी लग रहा है कि शायद असा बहुत वड्डी गलती कर दित्ती शायद ये जगह असली नहीं ये जिंदगी असली सही नहीं फिर केड़ी सही जगह ते जाना चाहनी है तू तो? तू साफ साफ कह रही है कि तेनु मेरे नाल ब्याह करा के पछतावा हो रहा है नहीं मैं ही पागल सी नहीं
नहीं अमन, अमन हम बहुत हो गया, अस अमन नाल हुणे गल करांगे। बेबी तुसा वास्ते एक बहुत खास चीज आई है। खास चीज? मेरे लिए? एक मिनट बस ऐसा होने है। बीबा बीबी यही ने तो एक बार नफरत छड़ के ना प्यार दी गल कीती ते इस पार ने भी तेनू अपने गल ना ला लिया। तू सारियां गल्लां भुला के ना इस पार आई ते तेरियां सारियां गलत फहमियां भी दूर हो गई। भैन जी ये तुहाडा जवाई ध्याल सिंह ते आह तुहाडा दोतरा अमनदीप सिंह। सत श्री अकाल बेटा। ते मैं इहदा प्यो कृपाल सिंह इहदा नाम है ना अमृत रखिया। जदों इह छोटी जी हुंदी सी ना ते तोतलियां इहदियां गल्लां नाल ना ते अमीरा अमीरा कहिंदी सी ते मैं इहनूं प्यार नाल ना
अमृत कहना शुरू कर देता। ला भाई आगे कर हैं। हाँ इधर रहो। वाह भाई वाह। ला भी अमृती है। मैनु पक्की उम्मीद है कि जेड़ी अमृत हुण वापस आई है ना हुण ये ओ नहीं है। तेरे सारे दुख दूर हो गए ने पुत्र ते तेरियां सारियां बुरियां यादां जड़ियां ने ना हुण खत्म हो गईयां ने। बिल्कुल ठीक किया वीर जी। नफरत करके मैं केड़ी जंग जीत ली। आखिर सच सामने आउण नाल मनु सुकून मिलिया। हाँ ए तां है। चल मेरी धी सदा सुखी रह ते सदा जवानियां मान। बेबे मैं तुहाडे लई बहुत खुश हां। मैं भी पुत्र। बहुत भूख लगी है जरीना मेरी गल सुन। बहुत भूख लगी हुई है। अपने प्यारे जे हत्थां नाल मैनूं स्वाद जे परौंठे बना दे। पहला तां मेरे हाथ चुम्मदा हुंदा सी हुण भुल गया। आटा गुंद दिता हुण परौंठे जरीना तो ही बनवा ली। हाँ जी बेबे। जरीना एक काम कर तू ना बेबे ले भी परौंठे बना ले। बेबे खुश हो जाएगी। बेबे तो सिर्फ मजाक करती रहती है। ठीक है असा बना दिने हैं। परवाह ही नहीं रही। पहला हर निक्की निक्की गल मेनू पूछता सी। हुण जरीना आ गई। जरीना तेरी बर्बादी अज तो शुरू हो जाएगी। मैं तेरा सारा गुरूर होलिका दी अग विच साड़ के सफा कर दांगी। जरीना मैं ना घर जा आउंदी हां। अपने थोड़े जे कपड़े ते समान लेके आना ओ ले आनी है जाके। लो भाई आज होलिका वा ते कल नु होली आ। सारे पिंड वाले ने आपां रल के मनाउणी आ हैं ते तुसी भी अज तो हुण तो तैयारियां कर दो। बापू जी। हां जी बापू जी। बापू जी जे सुरजन अज साडे नाल हुंदा ते असीं होली बड़ी धूमधाम नाल मनाउणी सी। पर अफसोस वो साढ़े को कदे भी नहीं आ सकता। अमर सुरजन अपने तो बहुत दूर चला गया। नहीं लग रही जे सुरजन बीजिया छुंदे ना तो वो हमेशा तो तुसा वास्ते एक रंगदार जिंदगी चाहते। तुसा एक काम करो ना तुसा घर तो जा ही रहे हो तुसा अपने घर जाके रंगदार कपड़े लाए सारे कपड़े तुसा अपनी जिंदगी एक नवे सिरे तो शुरू करो। जरीना कितनी चंगी है इसलिए तो अमन ने जरीना नु चुने। फिर क्यों मैं बार बार एदे नाल नफरत करन लग जानी हूं। तो क्यों चाहनी है कि इथों चली जा। ए मैं सही नहीं सोच रही। चलो छोड़ो पुत चल पुत तेनु घर तक छड़ आउणे आ। हां जी वीर जी चलो नाले आप पिंड वाले सारे कह चल दे आप।
चला पुत चल आ जा पुत नाल ही साडे ले आ भी रोटी लवली मैं समझ नहीं आता मैं तेरा धन्यवाद किस तरह करा तू मेरे गंदे जे कर एक रहने वाला घर बना मेरी लवली सी तू तो इतना कदे नहीं करती सुरजन सुरजन कित्थे है तू सुरजन 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 तू तो अनमोल है लवली तू हमेशा सही का साथ दिता ओए किसी भी गलत गल नूं अपने ते कदी हावी ना आउंदे मैं भावें चला गया हाँ पर तेरी तो पूरी जिंदगी बाकी है देख जे तू अपने आप नूं कदे संभाल लेना ना तो मैनूं कदे शांति नहीं मिलेगी निडर बन लवली निडर अपने हालातां अगे कदी ना हारी जिदा की तू सी उदा की रह हालात अगे कदी ना हार ये भी टाइम है जो लंघ जाएगा सोचा
कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं की कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। मैनु माफ कर दे सुरजन, मैनु माफ कर दे। मैं तो इदा दी है ही नहीं सी। मैनु माफ कर दे सुरजन, पर हुण होर नहीं, हुण होर नहीं। मैं अमन ते ज़रीना दा पूरा साथ दूंगी। माड़ी हो बेचारी लवली नाल, छोटी जी उम्र विच ही विधवा हो गई। बेचारी रंगा नाल भी नहीं खेड सकदी। इन्हू तां इत्थे आणा नहीं चाहिए तां सारा त्योहार बदशगन कर। बस लवली, अज तेरे हंजू ही मेरे हथियार बन गए। किसी नूं भी लवली दे होली खेडण नाल कोई भी दिक्कत है तो मेरे नाल सामने आके गल कर। चलो खेडो होली। लवली तू किथे जा रही, सारे तो इत्थे होली खेड रहे ने। अमन मैं विधवा हो चुकी, मैनूं होली खेडण दा कोई हक नहीं है। ऐदां दा कुछ नहीं है लवली, ये सब कुरीतियां ने। लवली तुसा इंज ना क्या करो, सानू बिल्कुल भी चंगा नहीं लगता। विधवा होना किसी कुड़ी की गलती नहीं होंदी, तो यहो जिया कुरताइया की कोई जगह नहीं है इस पिंड। सारे अपनी जिंदगी जीन का हक है। यह मैं सिर्फ लवली वास्ते नहीं कह रहा, पिंड दियां सारियां जनानियां वास्ते कह रहा। पिंड दियां सारियां कुड़ियां साडियां धीआं लगदियां वा। खुश हो जा पुत, खेड होली का। ये चलो रंग बहुत सोहने लग रहे ने तुसा ते।
लिया मैं कर दिनी है। थोड़े दर्द हो रहा होना ना? जी शुक्रिया, अखा च बहुत जलन हो रही है। जेकर असा दुश्मनों नू पता लग जाए तो असा दी अखा दे विच रंग ही पा देण। ए मैनू क्यों कह रहे हो? जे मैं थोड़े दुश्मनों नू दस दिता तां असा नू पता तुसी एवें नहीं करोगे, तुसा नेक दिल इंसान हो। हसना बंद ना करो, हासे दे रंगाली बहुत जरूरत है। तुसी तू चुप रहेंगी मैं तेन झूठी समझा। जरीना मैं सौ खाधी सी कि तेरा हाथ फड़ के तेन अपने पिंड अपने मुल्क लेके जावांगा। मैं हर तरह के हालात विच हमेशा तेरे नाल रहूंगा। जीना की हुआ? जीना सर ठीक तो हूं ना? आओ बैठो, बैठो आराम ला। हाँ जीना पानी लेके आराम। जीना सर ठीक हो ना? आलो पानी पी। आराम ना बैठो। जीना सर ठीक तो हो ना? सानू बस थोड़े जे चक्कर आ गया सी। चक्कर? पर चक्कर क्यों आ रहे हैं इस तरह? शोएब जी सच जरी ना? आओ बैठो, बैठ आराम ना, आराम ना। ये तो बहुत खुशी की गल है। तू सामने दसे बाकी घर दे दसे मौका ही नहीं दिता शोएब जी। शोएब जी चलो वापस अपने मुल्क चलिए। राजू अज तू मैनू नहीं रोक सकता। ओए फड़ दो इनू, अज ये बच के नहीं जाना चाहिए। राजू फड़ इसनू फड़।
इन्हें मेनू धमकी दी सी कि जिदा सुरजन मारे उदा मेरे मुंडे नू मार देगा। अमना तेरे पिछे जांदी होई मैं इन्हां दी जीप वेख ली, इस करके पुलिस नू मैं आउण लई पहले कहता ही। बहुत बहुत धन्यवाद दयाल सिंह जी, यह मेरी जिम्मेवारी है कि कोर्ट इन्हू बेल ना दे। चल दयाल साहब, तू चंगा नहीं किया। अमन चलो छेती करो, आपां बॉर्डर ते जाके जरीना नू रोकना। हाँ छेती कर पुत, चलो सारे चल कर, चल शाबाश ज्यादा छेती कर छेती। चलो चलो।